बच्चों को जो चाहिए वो कह नहीं पाते, पर अच्छी चीज का टच उनकी मुस्कान खिलाता है। इसीलिए अपने 0 से 6 साल के बच्चों की शॉपिंग के लिए आइए सिर्फ फर्स्ट क्राई। सागर का पहला मेगा स्टोर फर्स्ट क्राई, जिसका शुभारंभ हो चुका है मकरोनिया सागर में। यहाँ पाइए 20,000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स की वैरायटीज। नियर HDFC बैंक, जबलपुर रोड, मकरोनिया सागर। हेलो, इतना मेरे को करते रहे तुमने, 1000 बार हमें ब्लॉक किया, हम सही में यार तब भी नहीं समझ पाए तुमने कितना। हम क्या करें ये बताओ, आप हमें ये बताओ क्या करूं मैं अभी। आप हमें आज की जुम्मन क्या करूं अंजलि, सुनिए ओ मत करो, है ना, रोने वाली बात नहीं है, ठीक है, बताओ ना हम क्या करें। मध्य प्रदेश की पुलिस इन दिनों प्रेम लीला में मस्त होकर लड़कियों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। ताजा मामला आप सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे। खबर सागर और छतरपुर से जुड़ी है, जहां एक प्रेमिका ने छतरपुर जिले में पदस्थ पुलिस आरक्षक पर शारीरिक शोषण करने के आरोप लगाए हैं। जब इस आरक्षक की कहीं और शादी सेट हो गई और दहेज में 20 लाख रुपए मिलने लगे तो इसने अपनी प्रेमिका को छोड़ दिया। इतना ही नहीं है, प्रेमिका कई बार गर्भवती हुई और उसका गर्भपात भी इस आरक्षक ने करवाया है। दोनों प्रेमी प्रेमिका मध्य प्रदेश के सागर के रहने वाले हैं। अब प्रेमिका ने इसकी शिकायत छतरपुर SP से की है, जहां आरक्षक पर मामला दर्ज हो गया है। मामला 3 से 4 दिन पुराना होना बताया जा रहा है। प्रेमिका सागर जिले की रहने वाली है, जबकि आरक्षक सागर शहर के परकोटा वार्ड का रहने वाला है, जिसका नाम आकाश सिंह गौर बताया गया है। इसकी प्रेम कहानी कहती है कि कुछ साल पहले यह सागर की एक कोचिंग में मिले थे। प्रेमिका प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी, वहीं इसकी आकाश से दोस्ती हो गई। मोबाइल नंबर मिलने के बाद दोनों में व्हाट्सएप में चैटिंग होने लगी और यह एक दूसरे से मिलने लगी। आकाश इससे शादी करने की बात कहता रहा और इसका शारीरिक शोषण करता रहा और कई बार इसका गर्भपात भी करवाया। लेकिन बीते दिनों आकाश की कहीं और शादी तय हो गई। दहेज में 15 से 20 लाख रुपए मिल रहे थे, बस इसी के चक्कर में आकाश की नियत में खोट आ गई और उसने इस लड़की को धोखा देना शुरू कर दिया। लड़की ने बीते दिनों छतरपुर SP के दफ्तर में पहुंचकर इस लड़की की शिकायत करनी चाहिए। पहले तो पुलिस ने मामले को रफा दफा किया, लेकिन प्रेमिका ने इस जिले की समाज सेविका नेहा सिंह का सहारा लिया। नेहा सिंह ने इस आरक्षक को छतरपुर SP से मिलवाया। इसने मुझे जब अपनी कहानी बताई तो मैं उसे SP ऑफिस लेके आई थी आज, और सर ने ये कहा है कि आप FIR करिए, चाहे पुलिस विभाग का हो चाहे कोई भी विभाग का हो, यदि गलत हुआ है, शोषण हुआ है तो FIR होगी। लेकिन साथ में सर ने ये भी कहा है कि अधिकांश महिलाएं ऐसा करती हैं तो झूठे केस में लोगों को फंसा देती हैं, और उस वजह से एक कानून नया बना हुआ है, नियम कानून ऐसा है कि अगर ये महिला जो ये लड़की है पीड़ित है, अगर ये वाकई में पीड़ित है तो FIR दर्ज होगी, और अगर न्यायालय में ये मुकर गई लड़की, न्यायालय में इसने राजीनामा ले लिया किसी भी दबाव के कारण या कैसे भी राजीनामा ले लिया, तो इस पर मुकदमा चलेगा। लेकिन प्रेमिका ने इस जिले की समाज सेविका नेहा सिंह का सहारा लिया। प्रेमिका ने बताया कि इस आरक्षक ने मुझे छतरपुर बुलाया, मुझे धमकाया और रात भर मेरे साथ रेप किया। सुबह को धमकी देकर भगा दिया कि मैं पुलिस वाला हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नेहा सिंह ने इस प्रेमिका को SP से मिलवाया। मीडिया ने भी पहल की, तब जाकर इस आरक्षक पर मामला दर्ज हो सका। हम SP सर के यहाँ पर आए हुए थे शिकायत करने। कहाँ से आई थी आप? सागर से आए थे। क्या हुआ फिर? शिकायत अभी FIR हो गई है, दीदी आई है तब जाके हुआ है। कल से 2 दिन से हम परेशान हो रहे हैं थाने के और SP ऑफिस के चक्कर लगा के, जब नेहा दीदी आई तब जाके FIR हुई है। क्या हुआ आपके साथ, क्या घटना है, घटना तो बताइए आप। घटना ये है, एक साल से शादी का झांसा दे करके शोषण कर रहा है हमारा शारीरिक, और कल भी हमें धमकी दी है, मारने की, जान से मारने की धमकी दी है, और अपने साथ फिर ले जा करके पहला फुसला कर वहाँ भी हमें मारा भी और हमारे साथ मतलब बलात्कार भी किया है। ले गए थे ये पुलिस लाइन अपने आवास पर, सरकारी आवास पे लेके गए। हाँ, सरकारी आवास पे। चलो शादी करेंगे ये सब, ले गए कमरे पे और उसके बहाने फिर हमारा फिर से वही बलात्कार किया, और उसके बाद फिर हमें सुबह से छोड़ दिया, बोल दे तो मैं जो करना हो कर लो, हमारा कोई कुछ नहीं कर। अभी SP साहब ने क्या आवेदन आश्वासन दिया आपको? सर ने बोला है कि आप FIR करिए। कुछ आडियो के साथ कुछ फोटोग्राफ
इस प्रेमिका ने मीडिया को दिए हैं, जिसे देखकर या सुनकर इस प्रेमिका के साथ इस आरक्षक की बेवफाई का किस्सा उजागर हो जाएगा। हेलो, इतना मेरे को करते रहे तुमने, हजार बार हमें ब्लॉक किया, हम सही में यार तब भी नहीं समझ पाए तुमने कितना। हम क्या करें ये बताओ, आप हमें ये बताओ, क्या करूं मैं अभी, आप हमें आज की जुम्मन बताओ, आज की जुम्मन में क्या करूं अंजलि। सुनो, ये ओ मत करो, है ना, रोने वाली बात नहीं है, ठीक है, बताओ ना हम क्या करें, है ना, हम खुद परेशान है यार, है ना, हमें खुद नहीं मालूम कि हमें क्या करना है, ठीक है, लेकिन हमें पता हमें क्या करना है, हमें पता है हमें क्या करना है, ठीक है, हाँ, तुम्हें कुछ नहीं करना है, हमें करना है, और तुमने फालतू चीज की ना बेटू, तो याद रखना हमारे मरा मरा मुंह देखोगी यार, और ये याद रखना, पता है, सुनो ये याद हमेशा याद रखना, अगर तुमने एक भी साल उल्टा काम किया ना, तो मैं जिंदगी भर यही बोलूंगा कि अंजलि हमसे कभी प्यार नहीं करती थी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, आपको पढ़ाओ, ठीक है ना, तुमने तो बहुत प्यार करो हमारे लाने, है ना, नहीं हम नहीं करते थे क्या, नहीं करते, तुमने तो बहुत प्यार करो हमारे लाने, है ना, हाँ ठीक है ना, तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैंने नहीं किया, ठीक है, तो हमने कभी प्यार नहीं किया, ठीक है, कैसे हो सकता है, विश्वास नहीं है, कैसे हो सकता है, तुमने तो सिर्फ ड्रामा किया है, ड्रामा किया है मैंने, है ना, 24 घंटे में से 14-15-16 घंटे आपके साथ रह रहा हूँ, वो ड्रामा है हमारा, तुमने सिर्फ ड्रामा किया, ठीक है ना, तुमने कभी कोई प्यार, ठीक है, मैंने ड्रामा किया, ठीक है, मैंने ड्रामा किया, ठीक है, बात भी करते हो तुम, है ना, कि मैंने ड्रामा किया, मैं किसी से बात नहीं करता, मैं सुनो, बात करता हूँ और किसी से नहीं करता मैं, ठीक है, इश्क वो बला है जिसमें धोखा करोगे तो जेल जाना पड़ सकता है, आज वही वर्दी जो कानून की रक्षा करने के लिए बनी है, उसी वर्दी की ओट में कुछ ऐसी शैतानियत कर रहे हैं कि इसका खामियाजा पूरे पुलिस विभाग को भुगतना पड़ता है। एमपी सरकार इन दिनों महिलाओं की सुरक्षा की अभियान चला रही है, ऐसे में इस आरक्षक की करतूत पुलिस को शर्मिंदा जरूर कर देगी। कमलेश चंद्रपुरिया के साथ संजू श्रीवास, सागर एक्सप्रेस न्यूज, छतरपुर। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, नमस्कार।